सर्वप्रथम मैं चेतराम नेगी, गांव सुंगरा का किसान, आज यहां पर उपस्थित हमारे उद्यान विकास अधिकारी रुकेश जी और उनके साथ हमारे राहुल जी जो उद्यान विकास खंड विकास निचार से, और हमारे साथ जुड़े हैं प्रधान जी, बाबी जी और हमारे रिटायर्ड मैनेजर हमारे निचार से, और हमारे साथ जुड़े हैं उपप्रधान सुंगरा, और यहाँ पर उपस्थित सभी जो किसान भाई आज अपना समय निकाल कर आए। सबसे पहले तो मैं आप सभी आज आए, सभी का मैं हार्दिक दिल से, तहे दिल से मैं काफ़ी शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं स्वागत करता हूँ इस फार्म फेस्ट में आप सभी का। और आज जो फार्म फेस्ट का मेन मुद्दा है कि हम आज तक सेब उगा रहे हैं, सेब कैसे उगा रहे हैं, आज जो लेटेस्ट वेराइटियाँ आ गई आज हमारे यहाँ इंडिया के अंदर, तरह तरह के डिफरेंट वेराइटियाँ आ चुके हैं, कम से कम गिनने में भी मुश्किल होने वाला है। तो जो आज जो वेराइटी की बात कर रहे हैं, जो सामने हैं, ये एलिवेशन के हिसाब से तैयार करने की बात की जा रही है आज। वो बाकी हमारे सर बता देंगे कौन से एलिवेशन में कौन सा सेब तैयार किया जाता है। मैं ये थोड़ा सा मैं 12 का देखो 7000 के हाइट में अभी ये कम्प्लीट तैयार नहीं है सेब, तो ये दिखा रहा हूँ आपको यहाँ जो दिखा रहे हैं कि जो लेटेस्ट वेराइटी आज आ चुके हैं हमारे अंदर। कुछ वेराइटी अभी मेरे प्रोपोगेशन में लगे हैं, वो कम्प्लीट नहीं है। तो आज आपने देखा कि जैसे नीचे पहुँचे थे हम लोग हमारे छोटे से एक ऑर्चर्ड में, तो सीडलिंग में एक बात करते हैं कि सीडलिंग में सेब वेराइटी नहीं बनता है, लेकिन मैं आप लोग भी देख चुके हैं, जान चुके हैं कि वेराइटी बनता है कि नहीं बनता है। बनता है, बनाना पड़ेगा, हमको थोड़ा समझना पड़ेगा उसके, थोड़े से उनके जो आदत को, जो आज वेराइटी है उनके आदतों को पहचानना पड़ेगा। तो पहचानने के साथ साथ हमको थोड़ा सा माइंड भी चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे कि जैसे रॉयल हमारे ट्रेडिशनल रॉयल है सेब है, उस सेब के बांती इसका थोड़ा सा कटिंग अलग है, थोड़ा सा इसका आपका फर्टिलाइजर खादे डालते हैं जैसे, उसका थोड़ा नियम अलग है। बाकी इसका क्या करना है और डालने का विधि जो है, थोड़ा सा धूप को देख, जो सनी उसका जो देख करके लेयर में अच्छे डालने का है, और कटिंग रोल, सबसे ज़्यादा रोल कटिंग का है। कटिंग में क्या करना है, आप सिंगल स्टिक को मान के ले चलो, एक बार सेंट्रल लीडर दे दिया, उसके ब्रांचेस जो निकाले 4-5-6 ब्रांचेस, उससे ज़्यादा वो ब्रांचेस निकालने ही नहीं। हाँ, सिंगल ब्रांचेस में आप चलो, इधर जा रहा तो इधर ही जाने दो, उसके अगेंस्ट मत निकालो, इधर जा रहा तो एक ब्रांच को लेकर के उसी ब्रांच में चलते रहो, चारों ओर के जितने भी कम से कम ब्रांचेस रखेंगे उतना ज़्यादा फ्रूट आपका क्वालिटी बनेगा, फ्रूट क्वालिटी। सेकेंडली क्या होगा कि हमारा जो वेराइटी की बात कर रहे हैं, एलिवेशन कहाँ हुआ, जैसे कुछ वेराइटी हम जो कलर, जैसे हम लोग ऑरिगन सपर 2 लगाते हैं या फिर वाशिंगटन लगाते हैं, जैसे एस सपर लगाते हैं, वो नीचे लगाएंगे तो वो भी रॉयल के बांधते, उसमें भी कलर नहीं आएगा। उन सेबों को हम हाइट में लगाते हैं, जैसे 7000 से ऊपर 8000 की हाइट में लगाएंगे, वहाँ कलर एकदम पकड़ेगा, क्योंकि वहाँ का हाई क्लाइमेट थोड़ा सा ठंडक रहा, ठंडे रातों में जल्दी कलर पकड़ता है। तो ये जैसे जैसे मैं वेराइटी की बात करूँ, डिस्कशन आप एक एक करके होता रहेगा और आप क्वेश्चन करते रहेंगे, हम आपको आंसर देते रहेंगे। मैं ज़्यादा ना समय लेता हुआ, मैं थोड़ा सा हमारे जो एक्स हमारे चेयरमैन या रिटायर जो हमारे मैनेजर साहब है, तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि थोड़ा हमारे लोगों को अवगत कराए कि क्या आज क्या महसूस किया, क्या फील किया, क्या लगा आपको, अच्छा लगा, बुरा लगा, थोड़ा बताएं। माननीय हमारे हॉर्टिकल्चर के डॉक्टर सर रुपेश नेगी और चेतराम नेगी और महावीर जी और हमारे उप प्रधान और हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट के और आप सभी भाइयों को, देखो हमारे चेतराम जी ने जो है बहुत अच्छा काम किया है, हा? और हमको भी जो है इनसे जो है कुछ सबक सीखना चाहिए। अभी हम नीचे भी गए थे तो इसने देखो सीडलिंग में जो है इतने बढ़िया बढ़िया जो है पौधे तैयार किए हैं और उसमें इतने अच्छे फल आए हैं, कहीं हमको, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा नॉलेज है नहीं है, सही बात है, तो कोई कहता है कि नहीं सीडलिंग से जो है उसमें फल आने में दिक्कत होती है, आप जो है जो दूसरे उसे रूट रॉस से वो पौधे तैयार करो, तो पर ये जो है अपने चेतराम जी ने हमको अभी दिखाया, इसने जो है सब जो है सीडलिंग में जो है वो तैयार किया है और इव
इवन इससे भी जो है वहाँ नीचे जो है अच्छे जो कलर आए हैं, सेब के साइज़ भी अच्छा आया है। तो हमें जो है क्योंकि अब जो है पुराने जो है रॉयल का वो टाइम नहीं रहा है, अब हम लोग जो है खासकर यंग जनरेशन जो है हमको चाहिए भी जो है जल्दी चाहिए। आपका रॉयल तो 10-12 साल तक तो सैंपल नहीं देता है, अब यहाँ ये जो है 2-3 साल में जो है सैंपल देते हैं और कलर अच्छा आता है, मार्केट इसका अच्छा है। तो जो है हमें जो है सबको जो है ये नए पौधों पे को जो है एडॉप्ट करना चाहिए। और ये जब चेतराम जी हैं और भी जो भी प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनके बगीचों में भी जाके देखने से जो है हमें कुछ जानकारी मिल जाता है। तो मैं आप सब बागवान भाइयों से यही वो करता हूँ कि भाई जैसे इन्होंने किया है इनको फॉलो करो। और जो हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वाले देखो आप डेमोंस्ट्रेशन देते रहते हैं, और अभी कुछ दवाइयाँ दुइयाँ तो इन्होंने बंद किया है, चलो वो भी जो है डिपार्टमेंट है वो तो गवर्नमेंट जैसे वो करेगी वो है। फिर जो है अभी मेरे ख्याल से HPMC वालों ने भी वो अभी खोला नहीं है, वो खोलेंगे है ना, तो MSP जो है वो डिसाइड किया है। तो ये सब चीज़ें हमको देखना है। तो चेतराम जी ने बहुत अच्छा काम किया है, फार्म फेस्ट का जो है मेरे ख्याल से यहाँ पहली बार हो रहा है फार्म फेस्ट में। एक वो रोडो का वो चौहान जो है जीतू चौहान वो तो कई बार करता रहता है, तो इससे जो है हमें जो है अच्छा जानकारी मिलता है। तो हम ये उम्मीद करते हैं भविष्य में इस तरह के फार्म फेस्ट वगैरह का जो है आयोजन होता रहे। तो इसी के साथ धन्यवाद आप लोगों का। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे उद्यान विकास अधिकारी रुपेश जी से कि आपने अवगत कराए इस फार्म फेस्ट का सिस्टम और एप्पल फार्मिंग का। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले तो मैं चेतराम नेगी जी को बधाई देता हूं और इनके द्वारा जो आज ये ऑन फार्म फेस्ट का जो आयोजन किया गया है बहुत ही सराहनीय है। तो देख के ही लगता है कि ये बागवानों के लिए कर रहे हैं, है ना। तो इनकी अपनी सोच है कि किस तरह बागवानों को एकजुट किया जाए और बगीचों में दिखाया जाए कि कैसे वैराइटीज़ को तैयार किया जाता है। तो मैं तो काफ़ी इम्प्रेस हुआ इनके उससे, और साथ में इनने मुझे जो यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पे यहाँ बुलाया उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो जैसे कि हम इसके बारे में बात करते हैं, तो आपने वैसे आज के डेट में देखा है कि यूट्यूब के माध्यमों से काफ़ी जगह बहुत सारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं अलग अलग जिलों में, है ना। तो वहाँ का आपने देखा होगा कि कितने मतलब एडवांस हो गए वो फार्मर। तो वो फार्मरों का एडवांस होने का मेन कारण है उनने आज सीख लिया है कि किस तरह से बागवानी करना है। बागवानी की एक एक चीज़ के उनको परख है, तो किस तरह करना है, किस वैरायटी का चयन करना है, किस एलिवेशन के लिए कौन सी वैरायटी का चयन करना है, किस तरह से उसमें आपको प्री एंड पोस्ट जो भी आपका हार्वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करने हैं, विंटर्स की एक्टिविटीज़ कैसी करनी। तो ये सारे वो बागवान्स हैं जो सीख कर आज को बहुत ज़्यादा मतलब बागवानी के द्वारा बहुत ज़्यादा आमदनी कमा रहे हैं। तो आपको पता है कि जैसे पूरा हिमाचल में जैसा हमारा अपर हिमाचल का एरिया है, मैक्सिमम लोगों की आजीविका आपका बागवानी से ही है क्योंकि इधर एग्रीकल्चर का भी इतना रोल नहीं है। हमारे लोअर हिमाचल में थोड़ा एग्रीकल्चर का पार्ट है, तो जितना भी हमारा पहाड़ी एरिया है या जो अपर हिमाचल का एरिया है तो यहाँ मेन आपके जो आर्थिक साधन है वो सेब है। और पिछले काफ़ी सालों से हमारे बुजुर्ग लोग देखो सेब को उन्होंने लगाया, हमारे पास उनके बदौलत हमारे पास आज को बगीचे हैं। उस टाइम आपको पता है कि हमारे पास ट्रेडिशनल वेराइटीज़ जैसे रॉयल रेड, रिच रेड या गोल्डन इन्हीं का ट्रेंड था, पर आज के डेट में ये है कि इन वैरायटियों को छोड़ के आज को मतलब सफ़र में मेरे ख्याल से 400-500 ऐसी वैरायटीज़ है, इतनी वैरायटीज़ है जो सफ़र वैरायटीज़ की हम बात करते हैं। तो इन सफ़र वैरायटीज़ में भी बागवानों को थोड़ा ये ध्यान रखना है कि आपने अपने एरिया के हिसाब से, हर गांव का अपना एक माइक्रो क्लाइमेट अलग रहता है ना। सपोज जैसा आपका सुमरा है, सामने वाले एरिया का माइक्रो क्लाइमेट कुछ होगा, जो नीचे वाला एरिया है विद इन एरिया में भी आपका माइक्रो क्लाइमेट अलग अलग रहता है। तो आपको मतलब वैरायटियों का चयन आपके लैंड को देख के, आपके मिट्टी के कंडीशन को देख के, आपके वहाँ मिट्टी का किस टाइप की मिट्टी है, कौन सा वैरायटी इसमें पनप सकता है। और ख़ास करके कई लोग जैसा रूटस्टॉक के ऊपर जाना चाहते हैं, तो रूटस्टॉक का भी चयन करने से पहले आपको ये देखना है कि आपके सॉइल में कौन सा रूटस्टॉक
अच्छा परफॉर्म करेगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो मेन आज की डेट में जैसे बागवानी विभाग का है या बागवानों का भी मेन यही रहता है कि हम अपनी आमदनी कैसा बढ़ाएं, और उसमें एक हम पार्ट रोल प्ले करते हैं कि बागवानों को अवेयर करके कि आप अपनी उत्पादकता कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना। उसमें कारण आपको जैसे कुछ चेतराम जी बोल रहे थे, तो इसमें मेन वो होना चाहिए कि आज के डेट में आप देख रहे हैं कि मार्केट में हर चीज़ बहुत कॉस्टली हो गया है। आप चाहे खाद की बात करते हैं, दवाइयों की बात करते हैं, है ना, या आप जैसे पैकिंग मटेरियल्स की बात करते हैं, तो कोई भी चीज़ है तो हर साल मतलब इसमें मतलब रेट का इजाफा है, है ना, कॉस्टली होता जा रहा है। और बागवान एक क्वालिटी सेब तैयार नहीं करने के वजह से उसके खर्चे बढ़ रहे हैं, है ना, और उससे मतलब क्या बोलते हैं फ़ायदे कम हो रहे हैं। तो आज मतलब आज के यंग जनरेशन या जो भी है, तो आज आपको अपने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब भी बगीचा लगाना है तो आपने आने वाले अपने टाइम के 10-15 साल आगे एडवांस सोच के चलना है, है ना। आज के क्लाइमेट को देखिए कि आने वाले 10 सालों में क्लाइमेट चेंज से क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, कौन सी वैरायटी मेरे उस टाइम परफॉर्म करेगी कि नहीं, कि आज को मैं जो बगीचा लगा रहा हूँ कहीं 5 साल बाद वो बगीचा सक्सेसफुल रहेगा, वो वैरायटी सक्सेसफुल रहेगा, थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान देना है। तो आज को जैसे लो बेल्टों में चलो अभी रॉयल है, उसमें सेब आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि आप उन पेड़ों को काटने लग जाओ, है ना, देखा देखी में, वो भी नहीं करना है। सिंपल उसमें क्या करना है, आपने साइंटिफिकली उस बगीचे को मैनेज करना है। वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा आपको ये देखना है कि आपका वो रॉयल में क्वालिटी क्यों नहीं बन पा रहा है, या उसमें सेब की सेटिंग क्यों नहीं हो पा रही है, उन चीज़ों को आपने अपने जहन में रखना है। अगर आपने एक्सपेरिमेंट तौर पर कुछ करना है, आपके लगता है कि लो बेल्ट में रॉयल के प्लांटेशन है या रिच रेड जो भी है रेड है, तो उसमें आप चाहते हैं कि आप उसमें आप अपना वैरायटी चेंज कर सकते हैं आप टॉप वर्किंग के द्वारा, आप उसमें आप रिस्क ले लो। अदरवाइज वैसे भी आप उन पेड़ों को सिर्फ पाल ही रहे हैं, मतलब ये सोचो कि लकड़ी है वो एक तरह से, है ना, फल तो आप ले नहीं पा रहे। तो उन बगीचों में आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं उसमें ज़रूर करें आप। एक साल में अगर जैसे आपके नंबर ऑफ प्लांट्स के हिसाब से सिलेक्ट करो, आप शुरू में 4-5 प्लांट सिलेक्ट करो, उसमें टॉप वर्किंग करो, आपके एरिया के हिसाब से कौन सी वैरायटी वहाँ के लिए सही है उसको करके देखो। तीसरे साल में जब आप टॉप वर्क करोगे तो उसमें आपका फ्रूटिंग होगा, जब फ्रूटिंग होगा तो चेक करो कि है ये मेरे यहाँ हो सकता है, तो आप नेक्स्ट जो है धीरे धीरे फेजिस में आप अपने बगीचे को चेंज करते जाओ। ये तो वहाँ रही, बाकी जहाँ बगीचे आपके हाइटों में जहाँ अच्छा परफॉर्म कर रहा है आपका बगीचा, है ना, चाहे रॉयल लगाया आपने जो भी लगाया, उसको आप बेस्ट मैनेज करो कि उसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, ट्रेनिंग प्रोनिंग अच्छा करके कैसे मैं क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता हूँ, उस बगीचे में बीमारियों के प्रकोप को कैसे कम कर सकता हूँ, वो सारा रहेगा आपका। जो आपको चेतराम नेगी जी भी बोल रहे थे कि आपका ट्रेनिंग का पार्ट है, ट्रेनिंग ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा आप पौधे में क्वालिटी ला सकते हैं, साइज ला सकते हैं फलों में, है ना, और आपके बगीचों में बीमारियों का प्रकोप कम होगा। कैसे होगा वो सारा रोल है आपका धूप का। जब आपके बगीचे में प्रूनिंग अच्छा, हर टहनी तक आपकी धूप पहुंचती है, है ना, तो आपके उस बगीचे में बीमारी ज़्यादा फैलने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। बाकी अपने एलिवेशन जब भी आपने कोई प्लानिंग करना है कोई बगीचे का, उसमें प्रॉपर आप लेआउट करो, है ना, कितने मतलब सबसे पहली बात ही है कि आपको कोई वैरायटी जब भी करना है पहले आपको अपना बगीचा है आपको उसका लेआउट करना है, लेआउट किस बेस पे होगा, आप कौन सी वैरायटी आप सिलेक्ट कर रहे हैं, आप रूट स्टॉक पे कर रहे हैं कि सीडलिंग पे कर रहे हैं। अगर सीडलिंग पे है तो आपको स्पेसिंग का ध्यान देना है, थोड़ा उसमें आपको स्पेसिंग ज्यादा रखना है ना। रूट स्टॉक पे जा रहे हैं, कौन सा रूट स्टॉक है उसके बेस पे आपको स्पेसिंग रखना है। तो इसमें वही है, आपके ड्वार्फ रूट स्टॉक भी है, आपके सेमी भी है, और थोड़ा सेमी विग्रस भी है। तो जब भी आप रूट स्टॉक का चयन करें तो आप इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले किसी से, संबंधित बागवानी विभाग से, या आपके कोई भी प्रोग्रेसिव फार्मर आपके एरिया में जो भी अच्छे से उसको कर रहे हैं, या फील्डों में मतलब अपने बगीचे को बनाने से पहले आप जैसे यहाँ फार्म फेस्ट में आप आए हैं, ऐसे ही आप अलग अलग जगह पर आप जाके ज़रूर करें, उनके बगीचों को विजिट करें, तो काफ़ी चीज़ें आपके मतलब दिमाग से मतलब जो है ना आपके गलतियाँ जो होनी है ना आपसे वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। आप पहले कहीं विजिट करके उसके बाद अपने बगीचे को बनाने का सोचेंगे तो वो होगा। और आप आज को ये सोचेंगे कि मैंने बगीचा लगाना है यार, उधर ये नर्सरी वाला अच्छा है, या ये बागवान है इसके पास बहुत अच्छे हैं, कलमे पौधे लेके आओगे लगाओगे, 4 साल बाद फिर आप रोते हैं कि यार ये तो इसने वैरायटी अच्छा नहीं दिया। तो इन चीज़ों को आपने ज़रूर ध्यान देना है आपने। रही बात जैसे आपको रूट स्टॉकों के बारे में तो ज्ञान हो गई है ना, तो मैं तो ज़्यादातर जो आपके किन्नौर के परिपेक्ष के बारे में बात करता हूँ, तो मैं यहाँ पर ज़्यादातर बागवान जो भी रूट स्टॉक में जाना चाहते हैं वो 111 पे जाए,
MM111 है ना, एक MM111 आता है, एक MM111 आता है। तो ये वैरायटी आपका थोड़ा सा ऐसा है, सेल्फ स्टैंडिंग रूट स्टॉक है, इसके ऊपर आप कोई भी वैरायटी का चयन आप कर सकते हैं अपने एरिया के हिसाब से। तो इसके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, तो MM111 पे। और ये थोड़ी सी ये वैरायटी आपका ड्रॉट रेजिस्टेंट भी है, अगर किसी के एरिया में पानी की कमी रहती है तो थोड़ा ड्रॉट रेजिस्टेंट आपका वैरायटी है। और सेकेंड आपका रूट स्टॉक किसी ने MM111 के सिवाय MM106 को भी आप रेफर कर सकते हैं। सिर्फ आपने MM106 जो रूट स्टॉक है वो थोड़ा सा आपका MM111 से थोड़ा सा कम है, बाकी सारे करेक्टर्स सेम है इसमें भी। तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, जहाँ आपका वाटर लॉक कंडीशन होता है, जब पानी वाला ज़मीन है, तो उधर थोड़ा आप MM106 पे ना जाए, क्योंकि ये थोड़ा जो आपका रूट रॉट के लिए सुसेप्टेबल है, तो ये एकदम इसमें रूट रॉट के चांसेस रहते हैं, तो उधर आप ये है। तो मैं तो किन्नौर के लिए ज़्यादातर ये दो ही रूट स्टॉक के लिए बोलता हूँ, और बाकी आज के डेट में जिनेवा सीरीज़ के भी आ रहे हैं, एक MM111 रीप्लांटेशन वाला आप करते हैं तो M793 उस रूट स्टॉक को भी आप प्रेफर कर सकते हैं, जहाँ भी आपके पुराने बगीचों में आपने दोबारा रीप्लांटेशन पे जा रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा उसका विग्रेस ग्रोथ है। और जिन बगीचों में आपका कोई पौधा परफॉर्म नहीं करता है, कोई वैरायटी परफॉर्म नहीं करती, तो आप जो भी ये गाला सीरीज़ के ये थोड़े विग्रेस ग्रोइंग है, इन पौधों के ऊपर जाए कि वो पौधा वहाँ पर उठ पाए। नहीं तो कई जगह यही कंप्लेंट है कि रीप्लांटेशन में पौधे आपके पनप नहीं रहे हैं, खास करके जहाँ पहले ऑलरेडी आपके बगीचे थे, है ना। तो इन चीजों का आपका रूट स्टॉकों में ये है, अदरवाइज सीडलिंग का परफॉर्मेंस आपने देख लिया है। नेक्स्ट एम तो सर वही है जिसमें पहले प्लांटेशन है, उसमें दोबारा लगाया तो वो जीना का उसके लिए वही है, उसके लिए मैं आपको वही बता रहा हूँ ना। एक तो आप रूट स्टॉक का ये है ना M793 का, इसका चयन करें, है ना। अदरवाइज उस बगीचे में जब अगर पुराना बगीचा है तो उसमें जब उन पौधों को आप उखाड़ते हैं उनको प्रॉपरली आप अपरूट करो। जैसे आपको पता है विभाग के द्वारा एक स्कीम भी है ना, एप्पल रिजुनेशन स्कीम है ना, सेब जीर्णोद्धार योजना, उसके तहत आपको सब्सिडी का प्रावधान है। पर लोग क्या करते हैं, बस पेड़ काट दिए, पैसा क्लेम कर लो, अब बगीचा विभाग का तो है नहीं, हमने चलो सब्सिडी भी दे दिया। अगर आप झील से करोगे, अच्छे ढंग से करोगे, तो आज जो आप काम करोगे ना उसका आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना आने वाले 10 सालों में, जितने सही तरीके से आज आप इन्वेस्ट करोगे सोच समझ के प्लानिंग से, तो लेटर स्टेज में आपको हर चीज़ मतलब ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो हवड़ा दबड़ी में बगीचे आज को लगाएगा ना, आने वाले 5 साल के जब फल लगने लगे तो उसका तो परेशानी रहेगा, यार इधर स्पेसिंग गलत हो गया, कलर का हो रहा है, स्प्रे ज़्यादा करता रहेगा, है ना। तो ये चीज़ें सिर्फ प्लानिंग करना है, आज को आप सारे अवेयर हैं इन चीज़ों के बारे में, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो वही जहाँ आप रीप्लांटेशन की बात है, तो आपको लगता है आपके बगीचे में पौधे पनप नहीं रहे, तो आपको सबसे पहले तो आपको जो गड्ढे खोदने हैं उन बगीचों में, थोड़े आपने बड़े गड्ढे खोदने हैं, उन गड्ढों को आपने ट्रीट करना है, है ना। आप पूरे बगीचे को आप ट्रीट कर सकते हैं, एक क्या बोलते हैं ब्रोमाइड करके आता है, H2O2 से कर सकते हैं आप, फॉर्मलिन है, फॉर्मलिन थोड़ा उसका ट्रीटमेंट लंबा है आज के डेट में, अल्टरनेट आपका H2O2 का है ना, ब्रोमाइड करके उसका है। तो इन चीज़ों को आप सॉइल को ट्रीट करो, अगर पूरे आप बगीचे को ट्रीट नहीं करते, एटलीस्ट आप जहाँ पौधा लगा रहे हैं उस गड्ढे को तो आप ट्रीट करो, है ना। पहले इन केमिकलों से ट्रीट करो, उसके बाद आप जब प्लांटेशन से पहले गड्ढे को ट्रीट करो, आपके बगीचे के जो भी फालतू आप टहनियाँ काटते हो या जब कटिंग करते हो, अगर उसी बगीचे में रीप्लांटेशन, तो उन झाड़ियों को उसके अंदर जलाओ थोड़ा, वैसे जलाना आज के डेट में मना है थोड़ा एयर पॉल्यूशन के वजह से, तो उन जो कचरा जो भी रहता है उसको थोड़ा सा आप उस गड्ढे में ही जलाओ कि चलो थोड़ा वो आपका डिजीज फ्री हो जाए। और कई लोग क्या करते हैं कि प्लांटेशन के लिए आज गड़ा खोदते हैं और आज ही पौधा लगाते हैं, है ना। कई लोग एक दिन पहले गड़ा खोदते हैं अगले दिन पौधा लगाते हैं। तो जहाँ भी आपने पौधे लगाने हैं आपकी तो सोच ही होनी चाहिए आजकल खोदो गड्ढे, वैसे आपने प्लांटेशन जनवरी फरवरी में करना है, आजकल आप गड्ढे खोदोगे उसके क्या फ़ायदा होंगे। उससे ये होगा कि एक धूप है ना, जो धूप भी एक आप सॉइल सोलराइजेशन का काम करता है, उसमें जो भी कोई फंगस है या कोई भी कीड़े के अंडे है या कोई भी अदर जो भी फंगल डिजीज है उनके स्पोर्स है, उन सबको धूप की तपिश से वो वैसे ही मर जाता है। आप गड़े फरवरी अप्रैल में ही खोद दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लांटेशन तब करो आप, तो आप जितना जल्दी गड़े खोद सकते हैं। बाकी जैसे मैं गड़े का ट्रीटमेंट बता रहा था, और सेकंड एक गलती करते हैं आप, कहीं से भी प्लांट्स लाते हैं, होता क्या है आप उस पौधे को बिना ट्रीट किए आप सीधा गड़े में डालते हैं ना। आप लोग ये नहीं सोचते कि मैं कितना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। आज के डेट में जितनी भी बीमारियाँ हमारे यहाँ आ रहे हैं अदर क्या बोलते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट से, मेजर देखो लोग प्लांट्स कहाँ से लाते हैं, कुल्लू या शिमला में ही, है ना। तो वहाँ से उन बगीचों मतलब जहाँ वो नर्सरी तैयार हो रहा है, वो उस नर्सरी जहाँ तैयार हो रहा है वहाँ पे कई सालों से लोग नर्सरी तैयार कर रहे हैं, है ना।
वो खाद डाल के वो बस जल्दी तैयार कर रहे, पानी दे के, वो उनके पास है, उनका क्लाइमेट अच्छा है, गर्म, पौधा एकदम उठ जाता है। पर होता क्या है कि उन ज़मीनों से खास करके रूट रॉट, वुली एप्पल एफिड, स्केल, ये सारी बीमारियां आपके उन नर्सरियों से आ रहा है ना। आप लोग उन पौधों को बिना ट्रीट किए सीधा आप प्लांटेशन करते हैं, एक साल तो पौधा चलता है, नेक्स्ट ईयर आप बोलते हैं अरे पौधे तो सूखने लग गए, जब पौधा उखाड़ के देखते तो उसकी तो जड़ें तो सारी गलने लगी है या ड्राई हो गया। तो ये सारे कारण है। तो जब भी आपने प्लांटेशन करना है, प्लांट्स आप कहीं से भी ले रहे हो, विद इन किन्नौर में ही ले रहे हो, कहीं भी, चाहे विभाग से ले रहे हो, आप उन पौधों को ज़रूर ट्रीट करें और प्रॉपरली ट्रीट कर लें। ट्रीट का भी यही है कि आप जो भी कोई केमिकल या जो क्या होते हैं फंजीसाइड या इंसेक्टीसाइड, दोनों को घोल में ट्रीट करना है आपने, उसको 15-20 मिनट आपने उस घोल में रखना है उन पौधों को, उसके बाद आपने छाया में रखना है। ऐसा नहीं कि वहीं करके खेत में धूप में फेंक के रखा पौधे, है ना, छाया में रखना है उसको, प्रॉपर ड्राई होने दो और एक एक पौधा लेके आप अपने घड़े में उसके प्लांटेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें थी, बाकी तो मैं चेतराम जी आज बहुत बधाई के पात्र है, बाकी हम कोई भी आपका क्वेश्चन होगा उसको डिस्कस करेंगे, है ना। तो एक बार और आप सभी लोगों का मैं यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और साथ ही में खास करके चेतराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा एक इसमें थोड़ा सा और था, एक है अपना, तो जैसे ये आपके तो सीडलिंग में है, तो हमारे यहाँ पे जैसा आपका ये सुंगरा भी एक क्लस्टर है, और बारो जहाँ से बिलोंग, मतलब चेतराम जी बिलोंग करते हैं, उस क्लस्टर के ये प्रेजिडेंट भी है। तो आपका जो सुंगरा है, सुंगरा भी आपका एक क्लस्टर सबसे पहले बनाया था हमने, पर आज मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज तक यहाँ पर वाटर यूज़र एसोसिएशन आज तक भी रजिस्टर नहीं हो पाया हुआ है। इवन आपका 12 क्लस्टर वाटर यूज़र रजिस्टर भी हो गया, टेंडरिंग प्रोसेस हो गया, आज के डेट में इरीगेशन के स्ट्रक्चर यहाँ बनने लग गए। तो अगर आप लोग इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें, आप लोग इकट्ठे होकर इसको करो किसी तरह, कि आप लोग को भी अगर यहाँ पानी के स्टोरेज टैंक्स भरे बनाने हैं, जो हमारा एक हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है HPHDP का ना, जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड है, तो ये आपका आपका 1435 करोड़ का है, जिसमें से आपका 300 करोड़ खाली इरिगेशन के लिए खर्च होना है। तो उसके लिए आपका क्लस्टर वैसे ही मतलब रजिस्टर्ड है, आपको वाटर यूज़र एसोसिएशन को रजिस्टर करना है, और आपका फिर इरिगेशन टीम आके यहाँ DPR बने बना के आपका जो भी इस पर खर्चे होते हैं उसको हम करना चाह रहे हैं। पर मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है आज भी कि मतलब सुंगरा में ये काम नहीं हुआ, जो कि हमने इस क्लस्टर को बनाने का शुरुआत ही सुंगरा से किया था, और इसी प्रांगण से मैंने फर्स्ट टाइम शुरुआत किया था। हाँ जी, इवन चौरा आपका क्लस्टर बना था, वहाँ एक्चुअली थोड़ा सा IPS डिपार्टमेंट जो है आपके जल शक्ति विभाग का भी सेम स्कीम की वजह से, अदरवाइज उनका भी पैसा DPR सब बन गया था, उनका भी करोड़ों में पैसा आ गया था, एक पेलर स्कीम होने की वजह से उस कार्य को हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे से पहले है ना जल शक्ति विभाग का वैसे ही टेंडर था। तो आपके यहाँ भी अगर इस चीज़ को करना है, और इस प्रोजेक्ट के तहत आपको रूट स्टॉक अभी हम आजकल डिमांड्स ले रहे हैं, कोई भी बागवान है उसके हमारे पास लिस्ट अवेलेबल है, कौन सी वैरायटी है, कौन से रूट स्टॉक पे है, तो ये आप कोई भी बागवान डिमांड करना चाहे तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, है ना जी, इसको ज़रूर करो। प्लांट्स आप लोग को किसी को चाहिए होगा तो इस बार आपको जनवरी में ये प्लांट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ये प्लांट्स आपके एक साल के पौधे भी हो सकते हैं और आपके फेदर प्लांट्स भी हो सकते हैं, जो 2 या 3 साल के पौधे भी हो सकते हैं, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलो करो, दूसरे लोग भी होंगे। अच्छा मैं अब थोड़ी देर में आपको बताता हूँ वैरायटियों के बारे में, एलिवेशन में कहाँ उग रहा है, क्या उग रहा है, क्या वैरायटी है, ये थोड़े से अभी कच्चे हैं सिर्फ 12 के अंदर, क्या क्या वैरायटी है मैं थोड़ा वैरायटियों से अवगत कराऊंगा। ये आपका पहला वैरायटी आ गया स्कारलेट सपर 2, और आज पूरे हिमाचल में लगभग फल फूल रहा है, सबसे ज़्यादा सब पसंद कर रहे हैं इस सपर स्कारलेट सपर 2 को उगाने के लिए। तो मेरे हिसाब से स्कारलेट सपर 2 द बेस्ट परफॉर्म हो रहा है, इसमें बड़े अच्छे बनते हैं, लगभग 7500 के हाइट से हाइट के तक बहुत सही चल रहा है। ये 12 में 7000 से ऊपर का हाइट है, 7300 का वहाँ भी, ये से इधर के नहीं है, उधर उस 12 से लाया गया सारे से, तो ये बेस्ट मतलब परफॉर्म कर रहा है। तो उसके बाद हाँ स्कारलेट सपर 2, उसके बाद आ रहा है आपका ये वाशिंगटन शेप मतलब लंबा बनता है बहुत, लेकिन थोड़ा ये लेट कलर आता है, और इसका मतलब जब पूरा तैयार हो जाता है तो इसके मुकाबले में कोई सेम नहीं, ये कच्चा है।
हाइट इसका आप 7500-8000 की हाइट में लगा सकते हैं। मतलब ये जो आपका सुपर चीप वेराइटी है ना, जितने आप हाइट में अच्छा परफॉर्म करेगा, ये आपका ये 6500 से ऊपर कुछ 6500 इसी दिन कहना है ना, 6500 से ऊपर पे जाओगे ना और जितने हाइट में होगा ये बहुत अच्छा, जैसा आपका देखा होगा हमने दाढ़ीदार रॉयल हाइटों में अच्छा परफॉर्म करता है, लो में प्रॉपर उसमें मतलब कलरेशन नहीं होता है ना, प्लेन कलर नहीं चढ़ता है। तो ये थोड़ा लेट कलरिंग वेराइटी है, तो इसको आप सनी साइड और हाइट वाले बगीचों के लिए आप जाएंगे। लो के लिए आपका जैसा है जेरोमाइन स्कारलेट 2, ये जेरोमाइन आ गया, ये जेरोमाइन ज्यादा हाइट में फिर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, ये इन वेराइटी में और मैं कह रहा हूँ कि 7000 तक के हाइट के ये सारे सेब है। जेरोमाइन आपका मोड़ी सेब आ गया, मोड़ी भी किसी ने सुना होगा, ये मोड़ी भी सेब देख इस तरीके से होता है, ये वो गोल बनता है, लंबुतरा में नहीं आता है, बाकी कलर इसका सेम इसी के तरह है, हां सेम टू के तरह, लेकिन इसका ये है कि भाई ये लंबा नहीं बनता है, बस गोल बनते जाएगा, फूलते जाएगा, गोल बनते जाएगा, लंबा नहीं आएगा। मोड़ी सेब आ गया, उसके बाद आपका ये आ गया मेरे क्या रेड बिलॉक्स, हाँ रेड बिलॉक्स भी ये 7500 के हाइट तक बहुत जबरदस्त चलता है, ये कच्चा है अभी है ना जी। और इसके बाद आ गया आपका सुपर चीप, सुपर चीप को जहाँ मर्जी लगाओ ये काले नहीं होते हैं, है नहीं। उसके बाद आपका आ गया जेरोमाइन, जेरोमाइन तो बता दिया, अब आ गया गाला सीरीज में, गाला ये गेल गाला है, इसका भी अच्छा परफॉर्म है, लेकिन रेड लम गाला कलर बहुत तेज आता है, लेकिन हाइट में इसका साइज नहीं आ रहा, हाइट में तो नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा साइज, हाँ साइज नहीं बनता। रेड लम गाला है आपका, ब्रूकफील्ड गाला है, ये ब्रूकफील्ड गाला सर, ब्रूकफील्ड गाला इस टाइम में देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा चल रहा है बारों में मेरे बगीचे में, बहुत जबरदस्त डार्क बैरन गाला, ब्रूकफील्ड गाला दोनों अच्छे 7500 के एलिवेशन में सबसे अच्छी वैरायटी चल रहा है। तो ये लगभग अब जैसे तुम्बा आ गए नाशपति, ये हमारे बोली में कटिंग नाशपति बोलते हैं, लगभग अगर इसको फिनिशिंग देते हैं, इसको इसके भी तौर तरीके जानते हैं कटिंग अच्छा करके या इसको साफ रखते हैं तो सेब के मुकाबले में ही बिकता है ये सेब, क्लियर। अच्छा उसके बाद हमारे जो भाई आगे आपके 7000 के हाइट में ये तैयार होने है ना जी, अब उसके थोड़ा ऊपर जाना चाहते हैं, 8000 के हाइट तक जाना चाहते हैं, आपका हेपका आ गया, अर्ली रेड वन आ गया, और हाँ ये एस सफर बन गई, 3-4 वेराइटी ऐसी कि 8000-9000 में ये फल फूल रहे, लेकिन हमने अभी तक उसको आगे बेचा नहीं है क्योंकि अच्छा परफॉर्म नहीं दिखा पा रहा मेरे, किंग रोड भी है, किंग रोड भी डिपार्टमेंट से आए थे, हाँ जी किंग रोड भी हमने लगा रखा है, लेकिन अभी तक बाहर किसी को नहीं बेचा अभी तक, अब जब तक हमारा कंप्लीट खुद नहीं जज नहीं कर पाऊँ, तो हाँ हाँ जी देखो डिपार्टमेंट से लिया मैंने किंग रोड के पौधे भी, जमाने में सारे पौधे मेरा लग चुके हैं, ग्राफ्टिंग हो चुका है सारे सब जगह, लेकिन परफॉर्म अभी इतना ज़बरदस्त नहीं दिख रहा है। तो आप एक एक करके क्वेश्चन कर, साहब से भी कर सकते हैं, हमारे अधिकारी साहब से, आप अमित से भी कर सकते हैं, हाँ कोई भी एक एक क्वेश्चन कर सकते हैं। और दीवान जी आप तीनों नीचे जाओ, जो लेट आए थे नीचे जाओ, क्या नाम आप ले जाएंगे क्या, वो ले जाएगा बेटा ले जाओ, जाओ ले जाओ, चलो जाओ आप जाओ नीचे जाओ, जो अभी आया, अच्छा बाकी जो आप लोग ऊपर से आए ना बाबा नगर को जा रहे हैं ना, बाबा नगर में हम खाना कठे खाएंगे, चलो बाकी तो नजदीक वाले हैं, लेकिन आप लोग दूर दराज से आए, हम लोग खाना बाबा नगर में कठे खाएंगे, हो जितने भी दूर से आए बाबा नगर हम खाना कठे खाएंगे, बैठ के खाएंगे, चलो जाओ नहीं, गाला आपका गेल गाला और रेड लम गाला लगाओ, कलर नहीं आया तो रेड लम गाला नीचे कलर आएगा और साइज भी आएगा, नीचे लो है सबसे लो एलिवेशन में, बोलो रेड लम गाला और गेल गाला कहीं भी लगाओ, आपने उसमें क्या पोलिनाइजर वैरायटी पे जाना है। अच्छा एक चीज और हमेशा ध्यान रखना है, जहाँ भी आप प्लांटेशन कर रहे पोलिनाइजर वैरायटी का बिल्कुल ध्यान रखना है, 100 पौधे लगा रहे तो मैं तो एटलीस्ट ये बोलता हूँ 30 पौधे तो आप जरूर लगाओ पोलिनाइजर वैरायटी, आने वाले टाइम में आपको ना ये पोलिनेशन के वजह से जो प्रॉब्लम आएगी ना, जब आपका पौधा भी बनेगा सब कुछ हो जाएगा, अगर आपका पोलिनाइजर वैरायटी नहीं है ना तो आपका फ्रूट सेटिंग में बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो आज के डेट में पोलिनाइजर में तो इस वक्त ग्रीन स्मिथ से अच्छा कोई पोलिनाइजर है, ग्रीन स्मिथ चैलेंज है, ब्लूबेल में आप ये सब लगा सकते हैं, ये भी पोलिनेट करते हैं, स्कारलेट का 2 लगाओ आप, जीरो माइन के लगाओ, ये सारे वैरायटी आपका हाई स्ट्रेन वैरायटीज है, लो बेल्ट में ये अच्छा परफॉर्म करेगा, कहीं से 3000 से 3500 स्टार्ट करके 7500 के सारे जगह परफॉर्म करते हैं।
ये तो बिलासपुर साइड लगाते हैं अन्ना डोर सेटा पर है ना जो ये है बिल्कुल इनकी चीलिंग रिक्वायरमेंट है 150-200 आवर्स का है। तो जो सफर के वेराइटीज़ है ज़्यादातर इनके जो चीलिंग रिक्वायरमेंट है 500-600 से लेके जो 500 से 750 तक का है कुछ क्वेश्चन था। और रॉयल में देखो आपका जब 1200 से 1400 तक का है। तो आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग से देखो ना लो बेल्ट में गोल्डन रॉयल कहाँ से बनेगा तो आपको शिफ्टिंग करने में ही बनाई है। वर्क को देखते हैं पीछे मैंने पौरी खींची मैंने सारे नए नया खेत बना के ना मैंने लगाया वो क्या कहते हैं ऑर्गन सफर ऑर्गन में आपको कलर प्रॉब्लम आएगी। हाँ प्रॉब्लम भी आ गया फिर पेड़ बढ़िया चले जैसे फल देना शुरू हो गया भी आपके 6500 से ऊपर के लिए अच्छा वेरायटी है भी जैसे फल देना शुरू हो गया तो वो पेड़ ऊपर से सूखते आ रहे हैं ग्रोथ एकदम रुक गया पूरा मेंटेन है कोर्स जी उसका टॉप से नीचे टॉप का तो कारण वही होता कि आपका नीचे सॉइल में कोई प्रॉब्लम हो देखो नया जमीन ऐसा बंजर जमीन में जमीन समझ गया हो सकता है जो आपका मेन रहता है ना पेड़ में जब भी आपका टॉप के टहनी में कोई प्रॉब्लम आता है ना तो जो जड़ का सबसे टॉप पोर्शन होता है ना जो टिप रूट टिप बोलते हैं उसको कोई परेशानी होता है उसका पहला सिम्टम सीधा ही आपका ब्रांच या टहनी में टॉप पे आ रहा है तो नीचे रूट्स में कोई प्रॉब्लम हो सकता है जमीन में नहीं पौधे में फर्क पौधे में ऐसा इस साल दिखेगा नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि जब ग्रोइंग पीरियड है ना उस जड़ को आगे स्प्रेड करने में प्रॉब्लम आ रहा है या वहाँ कोई चट्टान आ गया है या कोई सॉइल टाइप ही चेंज हो गया हो कहीं नीचे जाके तो उन वजह से होता है। तो धीरे धीरे पौधा अपना जब डाइवर्ट करेगा रूट सिस्टम वो आपका हट भी सकता है बगीचे में। खेत निकाल के नए पौधे नया जमीन में नया पौधे लगाया जैसा फल देना शुरू हो गया था ऊपर से सूखते रहे सारे। क्या सभी पौधों में हो रहा है कि एक आध में सारे पौधे में आते हैं उसमें आपका मैं एक मॉडल आज को तो वो प्लांटेशन बहुत अच्छा हुआ पर नजदीक है वो प्लांटेशन को नजदीक है आने वाले टाइम में आपको कलर का तो प्रॉब्लम आने वाला है वहाँ बहुत ज्यादा प्लांटेशन अभी देखो इतना है पर वही अगर 5 साल बाद ये पौधा इसका डबल हो जाएगा पौधे आपका ऐसा हो जाएंगे जुड़ जाएंगे सारे पौधे अब उसमें तो में लगा भी क्या मतलब पौधे लेके लगाया ना वो उसमें तो अब आप कटिंग कुटिंग तो छोड़ दो बेंडिंग प्रोसेस और बिल्कुल टिप वाला और सिस्टम देखा है ना आजकल आपने उसमें आपने अब बढ़ने नहीं देना उसको जहाँ तक वो टहनियाँ बढ़े बस उसी पे फल बहुत पेड़ काटने का मेरे वो काटना नहीं पेड़ नहीं काटना काटने बहुत हो गए ना वो हैवी कट हो गया कुछ मतलब हैवी कट मत मारो उनको बेंडिंग करके उन्हें फल देते रहो वहीं और स्ट्रिक्ट हो जाए। एक इसमें देखना आपने यूट्यूबरों में देखना है ना बेंडिंग कंसेप्ट और किस तरह से प्रूनिंग करना है ना तो उसमें आपने अगर मोटा कट मारोगे ना अगले साल और शूट छोड़ेगा वो अब आपको शूट लेना ही नहीं है उसमें अनवांटेड शूट को नीचे से काटो बाकी डच कट सिस्टम और सिंगल लीडर वो करके चलो आप अभी पेड़ मत काटना ऐसा गलती मत करो। गाना बोलोगे ना एक दिन आप यूनिवर्सिटी वालों को ले जाओ कल्पा ब्लॉक वाले हमारे एसडीओ साहब वालों को ले जाओ आप है ना ले जाओ आगे वाले बगीचे में वहाँ प्रॉब्लम आया उनको ले जाओ आपने कोई नहीं बहुत अच्छा है ऐसा करते हैं मैंने क्या बोलते हैं सीलिंग के ऊपर लगाए थे पौधे रूट रोड जड़ गलन जैसा शिकायत आ रहा है। मैंने एप्पल प्लांटोनिक्स लगाया जीवामृत का काफी इफेक्ट अच्छा लगा। हाँ जी हाँ जी बाकी वो वही है जड़ गलन है बस इसको सिंपल वही बताता हूँ जड़ गलन जो जड़ गलन ये एक तरह का कैंसर है। इसमें होता क्या है आप देखो ना इसकी ट्रीटमेंट करना है हमने जमीन के अंदर मिट्टी के अंदर। अब ये रूट सिस्टम में सब जगह ये भी एक फंगल बीमारी है फफूंद के द्वारा होता है ना रूट रॉट बोलते हैं जो है ना जड़ गलन जो क्रिएट कर तो इसमें वही है मेन कि आप अंदर ट्रीटमेंट करोगे कितना ट्रीटमेंट करोगे दवाई वहाँ तक उस तक पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा तो थोड़ा इसका मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा टफ है। तो इसी के लिए तो मैं बोल रहा था जहाँ भी आप नया प्लांटेशन कर रहे हैं तो ज़रूर उस छोटे से पौधे को तो आप प्रॉपर ट्रीट तो कर सकते हैं ना अपने ज़मीन में लगाने से पहले। आपके ज़मीन में है नहीं आपने नर्सरी कहीं से लाया और लगाया उसके साथ उन जड़ों के साथ मिट्टी के साथ आपका कोई भी फंगस आ गया आपके एरिया में पनप जाता है तो ये है। बाकी जहाँ भी आपका वाटर लॉक कंडीशन होता है ये फंगस बहुत ज़्यादा पनपता है और आपका जहाँ पीएच में वेरिएशन आ जाता है तो पीएच को डाउन करने के लिए आप वहाँ पे चूना ज़रूर यूज़ करें एक तो है ना एक तो ये बरसातों में अभी डालो आप एक आप जब सर्दियों में तोलिया भरी बनाने के बाद करते हैं तो उस टाइम भी आपने उसमें चूना ज़रूर डालना है आपने मिट्टी में चूना कि पेड़ में चूना पेड़ में नहीं मिट्टी में मिट्टी में तोलिया में डालना तोलिया में चार होती है ना तोलिया में नहीं वो डिस्टेंस कितना जड़ के नजदीक जड़ गलन के जिन पौधों में सिम्टम है
उन पौधों को सर्दियों में उनके जड़े जरूर खाली करने हैं, एक किलो मतलब जड़ गलन वाले पौधे में ये रहता है, उसे पत्ते छोड़े कौन से महीने बरसात में या सूखते जड़े खाली करना है उसको, जैसा आपने दिसंबर में पतझड़ हो जाता है आपका दिसंबर या जनवरी तो तौलिया का साइज आप रहता है उसको रहने देना, सिर्फ जब जड़े खाली करके जो डैमेज जड़े है उसको काटना है, जो जड़े सड़े हुए काट रहे कैंची लग रहे है ना उस टाइम उसको नीला थोता से आप ड्रेंचिंग करना है, जड़े खाली करने का सब कुछ प्रैक्टिस करने का। उसके बाद उनको आपने अप्रैल तक कुछ नहीं करना है, कई जगह अप्रैल होगा कई जगह मई होगा कई जगह मार्च होगा, सेप्लो से पहले जब रस चढ़ने लग रहा है ना उससे पहले आपने उसको फिर दवाई लगा के ड्रेंचिंग करके फिर मिट्टी बंद करना है। खुला रखने का मतलब यही है कि ये जो धूप है ये भी बहुत बड़ा आपका एक टॉनिक का रोल है, आपको बीमारियों को कंट्रोल करने का रोल प्ले करता है, इसके धूप से जो भी फंगस वगैरह हैं प्रॉपर पौधे को जड़ों को एरेशन मिलता है। कई का इसमें तो आप बेवेस्टीन का ड्रेंचिंग एक एलिड करके आता है, बात वही है ना करते सब है पर वो कितना इफेक्टिव है किस तरीके से करे कहाँ तक जा रहा है, और जो पौधा रूट रॉट वाला पौधा है उस पौधे से पानी दूसरे पौधे में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपका एयर बॉर्न भी है ये फंगस और आपका वाटर बॉर्न भी है, पानी के साथ भी ये जा सकता है दूसरे पौधे में, और उस पौधे के जड़ दूसरे पौधे के जड़ से मिल रहा है ना तो ये रूट टूथ पेपर बहुत पनपता है तो उस पौधे में वो स्प्रेड होगा, जहाँ भी आपका रूट रॉट का पौधा है उसके सराउंडिंग वाले पौधे अभी आपको हेल्दी दिखेंगे तंदुरुस्त दिखेंगे पर कुछ सालों में वो भी हो जाएंगे, इसलिए उसको तो ट्रीट करना ही करना है, उसके साथ वाले जो पौधे हैं उनको भी आपने ट्रीट जरूर करना है, तो इसका थोड़ा ट्रीटमेंट का थोड़ा टफ जेस है। अभी जो ऑर्गेनिक बेसिस पे जाएंगे तो क्या होगा, H2O2 बोला ना इन्होंने डॉक्टर, H2O2 पहले H2O2 जरूर उसको ट्रीट करना है, H2O2 से भी आप कर सकते हो ऊपर से लगा करके H2O2 बोला ना, तो जैसे हमारे पास आता है एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आता है वासिन के नाम से, उसको एक बार सूखे मौसम में उसे तौलिया के ऊपर स्प्रे टाइप का करके उसके अंदर डालना है, एक लीटर एक ड्रम में डालना ऑर्गेनिक मैटर, उसके बाद क्या करना है कुछ अर्से बाद बरसात जैसे स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं या तो आपका नमी मेंटेन हो ऑलरेडी, ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास बायोलॉजिकल कंट्रोल है बहुत जबरदस्त, उसको क्या करना है पूरे खेतों में एक बार 2-3 साल ट्रीट करते रहो, वो क्या है कि उस रूट रोड का एंटी फंगल बैक्टीरिया तैयार करता है, वो भी फंगस है वो उसके ऊपर उसको इनहिबिट करता है उसके ऊपर। हां H2O2 ऑर्गेनिक में आता है? नहीं ऑर्गेनिक में नहीं आता, वैसे ही केमिकल है, लैब केमिकल है, लेकिन उसको ट्रीट करना है ना, सफाई करना है केमिकल पास साफ करके कुछ अर्से में छोड़ना है ना, उसी में लगाएंगे तो बैक्टीरिया मर जाएगा। जब वही है उसमें ट्राइकोडर्मा ये माइक्रोराइजा भरे ये भरे आप जब यूज कर रहे हैं ना स्यूडोमोनास भरा केमिकल, फिर आपको केमिकल फर्टिलाइजर, ये तीन चीजें हैं, ये तीनों तो केमिकल बिल्कुल नहीं मांगे, क्योंकि अगले आपने वो लगा अगले महीने आपने केमिकल था उसका जब असर खत्म हो जाए एक महीने बाद आप तक, फिर आपको 1 मंथ पहले H2O2 लगाओ फिर कुछ दिन बाद उसका तो उसका खत्म हो जाए, हाँ उसका असर खत्म हो जाए तब उसके बाद लग जाओ, उसके बाद उसके केमिकल नहीं पड़ना चाहिए, अब डाल रहे हैं तो थोड़ा सा ऊपर की घास फूस से ढकना भी जरूरी है। अच्छा ये एक पौधे में कितना लगा H2O2? ये मान के चलो आप 5 से 10 लीटर, 5 लीटर भी सफिशियंट है, तौलिया को ऊपर से गीला करना, ऊपर से डालना, अच्छा ऊपर से चलेगा, हाँ ऊपर से डालना है उसे डाल के छोड़ना, कुछ नहीं करना है सूखे मौसम में डालना, पानी को करना है ना, जैसे बड़े पौधे कहीं सेब सूखे पर तो नहीं करेगा, हां जैसे धान दूरी लायो कहीं कुछ रस्ते नहीं कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेंगे, मतलब इसको ये नहीं कि आप ग्रोइंग पीरियड में आजकल करने लग जाओ, ये अभी थोड़े से करना है ट्रीटमेंट, ये ग्रोथ शुरुआत से पहले करो या फिर डोरमेंट उसमें भरे ना, ये जो ग्रोथ शुरू होता है उस टाइम करना है, वो तो मॉइस्चर मांगेगा नमी होना चाहिए, में तो उसका फायदा नहीं होता, वो लगाने का आपको पौधों को मल्चिंग जरूर करो, हल्का मल्चिंग, जहाँ तो ड्राई एरिया वहाँ चलेगा मल्चिंग का मोटा भी, पर जहाँ आपका पहले पानी में मॉइस्चर ज्यादा है वहाँ ज्यादा मल्चिंग भी नहीं करना है, अगर जिन एरिया में बारिश बहुत ज्यादा है नमी बहुत ज्यादा है वहाँ मल्चिंग हटाना है आजकल आपने, है ना, और जो बारिशें होती है तो जो रूट रॉट का जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है तो वहाँ उस पौधे में पानी ठहरना नहीं चाहिए, उसका निकासी का कोई प्रबंध करो, उस निकासी को दूसरे पौधे में मत डालना है ना, कुछ ये प्रोविजन, किसी का वाटर लॉग्ड होता है बगीचे में बहुत नमी वाला जमीन होता है, उन लोगों को अपने बाउंड्री में पूरा ट्रेंच खोदना चाहिए, 1-2 फुट का ट्रेंच खोदो ताकि वो एक्सेस जो बारिश का है नमी या कोई है वो खेत के तरफ ना आए, चारों तरफ आप ट्रेंच खोदो, ये सारे प्रैक्टिसेस फॉलो करने पड़ेंगे आपको, है ना जी, जरूरी नहीं है एक बार एक खेत में जोर लगा दो, एक खेत पूरा एक खेत, हमने उस जब एक खेत में हम कामयाब हो गए फिर आसान हो गए, हम लोग लगे रहते उधर उधर वो फिर वो हम एक्चुअल रिजल्ट के पता नहीं लगता, फिर थक जाते हैं फिर कर नहीं पाते, है कि नहीं,
तो एक खेत में जरा उसको चीज को आप बैक्टीरिया फैल गया, हमारा एंटी फंगस फैल गया, तो वो काम करना स्टार्ट हो गया। एक बार वो ग्रो कर रहा है ना, तो फिर वो चाचा साहब को आपका मेथड है, आप जो बोल रहे ना बगीचे में नहीं आता, कारण ही वही है। आज की डेट में हमारा, मैं सच बताऊं तो कुछ पोषण है, जैसे निचार के अच्छे पोषण है, जैसे हमारा थानंग का है, एक तरंडा का है, ये बेल्ट को छोड़ करके ना वांगतू से लेकर आपका मंगलार तक एप्पल बेल्ट नहीं लगता है। देख लो सारे खाली हो रहे बगीचे, लगा रहे पौधे खाली, कहीं ऊपर के अपर किन्नौर के कुछ इलाके हैं वहाँ ऐसे ही है, रूट रोड कंडीशन बहुत ज़्यादा है, फंगस बीमारियाँ। तो उसको बात वही आ रहा है, उसको सिस्टम में रखने के लिए हमको एंटी फंगस तैयार करना पड़ेगा, तभी वो, बाकी कुछ भी नहीं इसका। रूट रोड का तो देखो इतने डॉक्टर साहब को ही पता है, साहब पूरे पीएचडी साइंटिस्ट वो सारे लगे हुए बेचारे, दिन रात लगे हुए, तो अब कामयाबी नहीं, अभी तो नहीं मिल पाई। अब एक दिन कोई वो न्यूजीलैंड के जो एक्सपर्ट्स आए थे हमारे नर्सरी ट्रेनिंग चल रहा था, ऊपर दो दिन का था, नहीं एक ही दिन का, तो वो बोलते हैं कि यार हम ऐसा केमिकल ला रहे हैं बस, वो रूट रोड के तो आने नहीं देगा, नहीं रहा ना इम्पोर्ट का परमिशन, इम्पोर्ट हाँ लिक्विड है वो, इम्पोर्ट होना है हमारे वहाँ, मतलब तो लिक्विड है कोई, कह रहे थे कि वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, उधर से आएगा इंडिया में इम्पोर्ट होएगा, तो वो हमारे वहाँ कारीगर उनका कारगर सीट हो गया, वो वाकई कर रहे बोलते हैं। बाकी ऐसा है कि हमारे को खुद को अपना इलाके का अपने को पता होना चाहिए, अपनी जगह होना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल, अपने इलाके का, अपने आपका अपने खेतों का एक साइड कुछ टाइप का होता है, देख लेना एक साइड कुछ टाइप का होता है, सॉइल में ना वो एक मतलब 10-10, 20-20 मीटर के डिस्टेंस में सोयल कंडीशन अलग अलग, आप कहाँ पीएच लेवल गिर रहा है, कहाँ ऊपर, हम लोग पीएच पीएच का ध्यान कहाँ देते हैं, मेरे को लगता नहीं हम लोगों में से बहुत कम लोग लैब टेस्ट में मिट्टी को लैब टेस्ट में भेजते नहीं भेजते है ना, जब तक हम मिट्टी को लैब टेस्टिंग के लिए नहीं भेजेंगे तब तक हमको क्या पता, अंधेरे में हम तो अंधेरे में ही ना, चलो खादों के ऊपर इतना पैसा खर्च रहे हैं, आपको पहले सॉइल टेस्ट करेंगे आपको ये तो पता लगे कि कौन सा न्यूट्रिशन की कमी है तब लगाओ, अदरवाइज अवेलेबल सॉइल में है आप और डाले जा रहे हो और बीमार किए जा रहे पौधे। सर अभी तो कुछ लोगों को ग्रोथ में डाल रहे हैं, अभी हमारे अंदर कुछ लोगों ने तो पीछे कई जगह यूरिया कैन लगा दिया अभी हाल ही में, उनके सेब आपको कलर थोड़ी हरे हो रहे हैं उनके, अभी नाइट्रोजन सोर्स यूज कर रहे हैं, लगा लिया है नाइट्रोजन का खाद, तो अब अखरोट दाने के बाद क्या मतलब, अखरोट दाने से पहले से आपको बंद करना चाहिए, डालना ही नहीं चाहिए, और जिन बगीचों में ग्रोथ आपका एक एक फुट से ऊपर आ रहा है तो मतलब सोचो कि आपके जमीन में नाइट्रोजन हायर साइड है, आपको कोई जरूरत नहीं है खाद डालने की, है ना, मतलब जो बका नाइट्रोजन बेस्ड होगा, आप अपना गोबर, गोबर एक ऐसा चीज है इसको जरूर डाला करो, आप केमिकल खाद भी यूज करते हैं ना तो ऑर्गेनिक खाद उसके साथ जरूर यूज करना है, गोबर से आपकी जमीन नरम बनती है ना, उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ता है ना, मॉइस्चर काफी देर तक वो रिटेन करता है, अगर आप केमिकल खाद डालोगे तो वो जमीन को सख्त कर देता है, बारिश बुरिश हुआ पानी लगे सारा ऐसे ही बहता है वो, तो पौधे का लाइफ थोड़ा कम करता है केमिकल खाद, केमिकल खाद मत यूज करो, नहीं बोलो यूज करो साथ में आप ऑर्गेनिक, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे, ये 7-8 साल के पौधे हैं, मैं स्कारलेट टू जो है 2010 से उगा रहा हूँ, हाँ जी 2008 में इंडिया हमारे हिमाचल में इंपोर्ट किया था बाहर से आते यूएसए से, और 8 में 2 साल इन्होंने हमारे डिपार्टमेंट ने बुक टू फार्म और ताबो में रखे थे, देखा फिर उस 10 में डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, उस टाइम से डालना स्टार्ट किया, तो ये 7-8 साल के पौधे, 8-1 साल के, साइज का ऐसा मतलब ऐसा इशू नहीं, वो बात वही आ रहा है कि आपका रख रखाव क्या करें, ऐसा इशू कुछ भी नहीं, रोड कंडीशन या फिर ज्यादा लगा रोड है तो साइज कम हो जाएगा, या फिर ज्यादा लगा, अच्छा ज्यादा लगे थिनिंग नहीं कर पाए तो फिर इतने बेस्ट है आप थिनिंग करो, ओवर क्रॉप है तो आप थिनिंग करो, आप साइज को इंप्रूव कर सकते हैं, बाकी कोई अल्टरनेटिव नहीं है, रस्टिंग प्रॉब्लम नहीं आ रही, रस्टिंग आ जाएगा लेकिन रस्टिंग इसके बस इनको, हाँ रस्टिंग बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया, रस्टिंग बहुत आएगा इसमें, लेकिन आपको इसमें जो जैसे कैल्शियम अच्छे कंपनी के कैल्शियम वगैरह है ना उसको सिंगल करना है, हाँ कैल्शियम मैंने बहुत लोगों को देखा कई बार मिक्स करके डालते, जो अच्छे ब्रांडेड कंपनी के जो कैल्शियम वगैरह लिक्विड में अच्छे उनको सिंगल बेस पे करना है, दवाइयों को सारे मिक्स करके नहीं करना है, इसको लिक्विड बेस सफर का है आपका, अच्छा क्वालिटी सेम है, अच्छी दवाइयां यूज करो, अच्छे मत करना दवाइयों को अलग अलग करो, मिला के दवाइयां मत करो, मिला के दवाई पकड़ेगा, एक ड्रम लग रहा है दवाई क्यों, छोटा पौधा क्वालिटी आ गया, आपको इन्वेस्ट करने में क्या, बोरोन जिससे आपको प्रॉफिट होगा इन्वेस्ट करने में क्या, ऐड होता है उसका उसका वो, हां उसका बूस्टर है, कॉम्बो में भी आता है बोरोन का, तो ये चीज है, रस्टिंग का भी ऐसा पर्टिकुलर मूल्य था, रस्टिंग के बड़े कारण होते हैं।
रस्टिंग का एक तो मतलब जैसे हमारा अभी टेम्परेचर गर्म है, रात में एकदम ठंडा हो जाएगा, एक तो वो होता है टेम्परेचर कम है। बाकी एक होता है मैं जो हम मिक्सिंग करते हैं ना केमिकल, जो हम न्यूट्रिशन के साथ जैसे हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट डालते हैं उसके साथ हम फंगिसाइड डाल रहे हैं। एक चीज़ होती है ना ईसी लिखा होता है, जो हमारे फंगिसाइड होते हैं ना उसमें ईसी लिखा होता है, जैसे 75% एससी होता है, डब्ल्यू होता है। ईसी के साथ कभी भी कोई भी आपका न्यूट्रिशन कर रहे हैं ना, जो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट कर रहे हैं, कैल्शियम तो वैसे करते ही नहीं किसी के साथ, उनकी रिएक्शन करता ही है किसी भी दवा अलग दवाई के साथ, बट जो ईसी के साथ है उसके साथ कभी कोई आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्स नहीं करता। बाकी चीज़ के साथ तो बिल्कुल कंपैटिबल हो जाता है, क्योंकि हमारी कंडीशन भी वैसी है, हम हर बार स्प्रे के लिए पानी भी करते हैं, तो उस वो चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। आपको क्वालिटी रखना है तो आपको थोड़ा टाइम स्पेंड बगीचे को टाइम देना पड़ेगा, अलग करो आप दो दिन अपना कौन सा केमिकल कब रिएक्ट कर जाए आपका क्वालिटी खराब करे, तो फायदा क्या उसका, चमड़ा रिस्क क्यों लेते हैं आप, इंडिविजुअली करो आप। आप एक तो केमिकल खरीदने टोनी के खरीदने में पैसे भी डाल रहे हो, ऊपर से सेहत भी खराब कर रहे हैं आप, तो आप अपना मैंने अपना मतलब शेड्यूल खुद बनाया है आप भाई। मैंने एक चीज और देखा, अब कुछ टाइम सर कुछ लोग खूब यूरिया डाल यूट्यूब में सुन के, कोई 5-4 से सुनते हैं, कोई किसी चीज यूरिया खूब डाल रहे, यूरिया जितना डाला जाए उतना ज्यादा बीमारी आएंगे बगीचे। वैसे यूरिया सेब के लिए सफिशियंट है कि नाइट्रोजन कहीं घट रहा है तो चलो डाल दिया, अब बहुत लोग यूरिया सस्ता है करके खूब जब कलम करते है ना, कलम करने के बाद आजकल जैसे निकालने का वक्त आ गया है, वो कैंकर फैल जाता है, उसके लिए अगर कोई पेस्ट जैसे ब्लैक जापान वगैरह आया हुआ है ऐसा ऐसा कोई, तो लोग कई ब्लैक जापान यूज कर रहे हैं, कोई फेविकॉल यूज कर रहे हैं, कोई आपका जो भी चीज यूज कर रहे हैं उसमें पौधा का प्रोसील का रिजल्ट अच्छा है ना, प्रोसील है, प्रोसील का रिजल्ट अच्छा है, प्रोसील यूज करो आप, फेविकॉल यूज कर रहे हैं उसमें आप वेबस्टीन पाउडर डालो, फंगिसाइड ना फंगल उसके लिए, फेविकॉल का काम क्या सकते हो उसे सीलिंग के लिए, सील करेगा मतलब अंदर पानी नहीं जाएगा तो आपका वो पनपेगा नहीं, अंदर कालापन नहीं आएगा, तो उसमें आप वो यूज करो, ब्लैक जापान में भी आप मिक्स करना चाहे फंगल ब्लैक जापान। नहीं सर ये डॉक्टर साहब ठीक बता रहे हैं, किसी में भी वेबस्टीन यूज करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट है, चाहे आप व्हाइट पेंट है ना, बल्कि फंगस को पनपने नहीं देगा कट के ऊपर आपका, ये है कंसेप्ट, व्हाइट पेंट में तो और अच्छा है, हां व्हाइट पेंट में आप उसमें मिलाओ व्हाइट पेंट, ठीक बोला आपने, बेस्ट रिजल्ट व्हाइट, तो इसमें मेन वही है कि कैंकर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जो पौधा ग्रो कर रहा था उसमें आपने उसको हेडबैक करके कलम किया हुआ है तो कैंकर तो आएगा, बस उस कैंकर को आपने अच्छा जो नहीं एक सर ग्राफ्टिंग की जो बात कर रहे हैं ना, मैंने ठीक वो ये जो टॉप ग्राफ्टिंग का कंसेप्ट है ना हमारे बरसाती इलाके में, तो पोटा वो पौधा मर जाएगा बनते बनते वो ग्राफ्टिंग, वो जो पपड़ी अब छूटता ही नहीं, अब उसको हमको क्या करना पड़ेगा, टॉप ग्राफ्टिंग की बजाय बेंच ग्राफ्टिंग, पर उनके ब्रांचेस जो निकले हुए ना उनमें बस एक के बजाय थोड़ा ग्राफ्टिंग ज्यादा करना पड़ेगा, हाँ हाँ पतले पतले जो भी आपकी लिखने के टेनी है ना, ये कंसेप्ट आपको नंबर ऑफ कलम ज्यादा डालना पड़ेगा, हाँ जी मतलब हैवी कटिंग करके मत, नहीं है हैवी कटिंग करके मोटे मोटे में डाल के तो हमारे पद्धति हमारा तो आलम मोटे कट मार दे, कलम में ना इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, जैसे कलम बड़ खरीदना है लगाना है तो कॉस्टली पड़ता है, तो क्या करते हैं वो कॉस्ट को बचाने के लिए मोटे कट मार देते हैं, ठीक है। अगर हम जो एक कंसेप्ट चला हुआ है सिंगल लीटर वर्क का कि यहाँ चाहिए इतना इतने डिस्टेंस, उस तरीके से अपनी टेनी पकड़ो, दो इंच की टेनी से ज्यादा मोटी मत काटो, आपका सिंगल लीटर वर्क भी प्रोसेस होगा, आपका आपको सन पेंटेशन प्रॉपर मिलेगा, सारी चीज मिलेगी, मोटे कट करके तो नुकसान अपने नुकसान बहुत है, इसलिए ब्रांच ग्राफ्टिंग में ही बेस्ट है, बगीचे खत्म होते हुए देखा हमने अपने सामने, हील होने में भी टाइम लेगा ना, मोटे कट में आप जब लगाएंगे तो 3-4 साल तो हील होने को टाइम लेगा, तब तक फ्रूट आएगा पर इतना इतना आता है, मैंने खुद किया वैसे, तो उसमें एक पौधा है उसमें मतलब ठीक टेनी थी, उसमें तो पूरा हील हो गया, उसमें साइज भी अच्छा आया, चेंज किया बट उसमें हील होने में बाकी में दिक्कत आ रही है, उसकी पत्तियां भी छोटी है, अब बड़े बड़े पेड़ काट लेते हैं ना फिर उसमें सैप फ्लो कर रहता नहीं, ब्लॉक हो जाता है, वो बैक आ जाता है, तो सैप के लिए टेनिया रखो, उसको अगले साल ग्राफ्ट कर दो, ग्राफ्टिंग पूरा पेड़ ही नहीं करना है, जब पकड़ लेता है तो जो पन्नी हटाते हैं ना उस समय वो उसको वाइट पेंट करना है, पेंट हटा दिया पेप्सिन मिला के, उसे पेप्सिन मिला के, अच्छा पेप्सिन मिला के रोसिल का देखा, रोसिल का बहुत अच्छा है, रोसिल का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है जो आया ना, ये टेक्निकल बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा बनता है वो, बिल्कुल ऐसे कवर कर लेगा,
तो आज का प्रोग्राम था यही स्थगित कर देते हैं। अब हम लोग तो नीचे बाबा ने कटे खाना खाएंगे, अब यहाँ वाले को तो क्या करें, अब घर घर जाना पड़ेगा। हम लोग तो बाबा ने खाएंगे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ऐसे ही चलता रहे, हमारा मिलेगा खाना बन जाएगा, है ना जी। अच्छा हमारे ये अशोक जी और दीवान जी क्या समझे भाई, आपका फीडबैक क्या है भाई, आपका फीडबैक सुनाओ भाई। बढ़िया है, अच्छा लगा। और खामियां।